नमस्कार दोस्तों, व्हाट्सएप आज हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, एजुकेशनल लाइफ की बात करें, किसी भी तरह की कैटेगरी में व्हाट्सएप आज मैसेजेस, वीडियोस और फोटोज़ को भेजने का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मीडिया बन चुका है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो व्हाट्सएप के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। हमारा आज का वीडियो उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो व्हाट्सएप को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक जानना चाहते हैं। इसमें हमने व्हाट्सएप में यूज़ होने वाली बहुत सी टिप्स यूज़ की हैं जो हमारे एग्जिस्टेड व्हाट्सएप यूज़र को भी बहुत हेल्प करने वाली हैं। इनमें फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, डिफरेंट आर्ट टूल्स और भी बहुत एडवांस फैसिलिटीज़ के बारे में हम व्हाट्सएप की बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे, ये आपके पास व्हाट्सएप का होम स्क्रीन अवेलेबल होगा। टॉप में देखेंगे आपके पास तीन ऑप्शन है, चैट, जितनी भी चैट्स करते हैं उनकी हिस्ट्री यहाँ शो होगी। अगर आपने किसी का स्टेटस चेक करना है तो वहाँ आपको यहाँ पर उसका स्टेटस शो हो जाएगा। किसी भी तरह की कॉल्स, वीडियो या ऑडियो कॉल्स की अगर आपको डिटेल्स हिस्ट्री चेक करनी है तो वो आपको इधर अवेलेबल होती है। अगर हमने किसी से पर्सनल चैट स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले बॉटम में इस ऑप्शन पर जाएंगे, जिससे भी हमने चैट करनी है उसका कॉन्टैक्ट फाइंड करेंगे और अब हम उनको यहाँ टेक्स्ट एडिटर पर जो भी उनको मैसेज भेजना चाहते हैं वो मैसेज भेज सकते हैं। पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज की पूरी डिटेल में सबसे पहले आप टॉप में देखेंगे आपके पास कैम का ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन आपको वीडियो कॉल करने की परमिशन देता है। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। सेकेंड आप देख रहे हैं कॉल, इससे आप सामने वाले को कॉल कर सकते हैं। मेन्यू ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं व्यू कॉन्टैक्ट। अगर आपने इस कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स चेक करनी है तो यहाँ पर उनका स्टेटस, उनके साथ अगर आप इनक्रिप्ट मैसेज में बात करना चाहते हैं तो वो, डिसअपीयरिंग मैसेज, अगर आप इनके साथ जो मैसेज भेज रहे हैं उसे आप 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली डिलीट करना चाहते हैं तो डिसअपीयरिंग मैसेज में जाकर उसको आप ऑन कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके जो भी मैसेज आपने भेजे हैं वो उनके 7 दिन में ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएंगे। हाँ, अगर वो सेव करते हैं तो उनके पास उसकी कॉपी रहेगी। मीडिया विजिबिलिटी, आप इनके साथ जो भी डेटा शेयर करते हैं वो आपकी गैलरी में दिखाई दे या ना दिखाई दे, उसकी परमिशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये येस रहती है, रेस्ट आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आप इस यूज़र के साथ अपनी जो उनके मैसेजेस आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन को ऑफ रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसका म्यूट नोटिफिकेशन फॉर द स्पेसिफिक टाइम, 8 घंटे, 1 हफ्ता या ऑलवेज, जैसा आपको सेटिंग करना है उसके अनुसार। तो ये इनसे संबंधित सारी जानकारी आपके पास है। अगर आप किसी यूज़र को ब्लॉक करना चाहते हैं तो बॉटम में आपके पास ब्लॉक ऑप्शन है, यहाँ पर आप उस यूज़र को ब्लॉक भी कर सकते हैं जिससे वो आपको मैसेज नहीं भेज पाएंगे। अगर आप इनकी डिटेल्स किन्हीं को शेयर करना चाहते हैं, शेयर ऑप्शन पे जाएंगे मेन्यू में जाकर, तो आप जिसको भी इनकी डिटेल देना चाहते हैं आप उनका कॉन्टैक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ये डिटेल उनके पास चली जाएगी। इसी तरह से शेयर में है एडिट, अगर आप अपने लेवल पर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं इनकी डिटेल्स में तो वो आप कर सकते हैं। View in address book and verify security code. अगर आप verify security code पे जाएंगे और इस कोड को उनके थ्रू verify कराएंगे तो इससे हमारा 1-to-1 encryption वाला ऑप्शन जो है चैटिंग का वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम बॉटम पे आते हैं। आप बॉटम में लेफ्ट में देखेंगे इमोजीज हैं। अगर आपने किसी को कोई इमोशंस भेजने हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह के इमोशंस अवेलेबल हैं, वो आप भेज सकते हैं। अगर आपने किसी को भी भेजना है लाइक दिस, अगर आप GIF फाइल किसी को सेंड करना चाहते हैं तो GIF पर क्लिक करके आप उन्हें सेंड कर सकते हैं लाइक दिस। इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है अटैचमेंट। अगर आपने अपने किसी कॉन्टैक्ट को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है या कैमरा से कोई क्लिक करके पिक्चर भेजनी है, अपनी गैलरी में से कोई इमेज भेजनी है, ऑडियो भेजना है या किसी से बात करने के लिए कोई रूम क्रिएट करना है, ये व्हाट्सएप का नया ऑप्शन अवेलेबल हुआ है जिसमें आप वीडियो चैट के लिए एक ग्रुप बनाकर उनसे बात कर सकते हैं और उसकी नोटिफिकेशन मैसेंजर के थ्रू उनको भेज सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी को लोकेशन शेयर करनी है तो आप उसके लिए उनको लोकेशन भी परमिशन देकर अपनी करंट लोकेशन को उन्हें सेंड कर सकते हैं, जो कि मैप से कनेक्ट होकर आप तक पहुंचने में उनको हेल्प करेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी का भी कॉन्टैक्ट भी आप किसी को शेयर कर सकते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में से ऑटोमेटिकली एक कॉन्टैक्ट पिक होगा और उनके पास चला जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं कि अगर आप किसी को कोई इमेज भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी एक इमेज ले लेते हैं लाइक दिस, हमने ये एक इमेज ले ली है और अब आप इस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो आपने मार्कर ले लिया है, आप कलर चूज़ करते हैं। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो आप देखते हो कि कलर की थिकनेस, पेन की थिकनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही है
और आप लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो थिकनेस डिक्रीज हो रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग थिकनेस करके उसे चेक कर सकते हैं। अंडू के लिए आपके पास ये ऑप्शन होता है जिससे आप इसे अंडू कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट एडिटर आपके पास आता है, आप कुछ भी टाइप करते हैं यहाँ पर उसका कलर आप सेट कर सकते हैं। प्लस अगर अब आप यहाँ पर टैप करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फॉन्ट फेस ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, या फिर आप वापस राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे फिंगर को तो आपके फॉन्ट फेस चेंज होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे हम अपने फॉन्ट फेसेस को चेंज करके इमेज पर कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास आते हैं इमोजीज। यहाँ पर अगर आपने अपनी करंट टाइम को भेजना है तो आप टाइम लीजिए, इसी तरीके से आपने अपनी लोकेशन भेजनी है तो आप अपनी करंट लोकेशन यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर आपकी करंट लोकेशन को शो कर देगा। इसी तरीके से अगर आप कोई इमोजी लेते हैं, इस इमोजी का भी कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आपकी इमेज की जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। क्रॉप, आई होप हम सब क्रॉप के बारे में जानते हैं कि हम इमेज को अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं जैसी और जैसी इमेज हमें भेजनी है। इसके बाद हमारे पास एक अंडू ऑप्शन आता है। तो इस तरह से आप देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, हम किसी को भी अपने मैसेजेस में एडिटिंग, इमेजेस में एडिटिंग करके उसे शेयर या फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हुए अब हम व्हाट्सएप मेन्यू में जाएंगे। थ्री डॉट्स आपको टॉप राइट में दिखेंगे, यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है न्यू ग्रुप। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हमें अपना कोई पर्सनल ग्रुप बनाना है जिसमें हम कुछ लोगों के साथ कॉमन प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पर्सनल ग्रुप को कुछ मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप बन जाता है, इसे आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। ये हमारा ग्रुप रेडी है। अब ग्रुप के बारे में हम जानेंगे। ग्रुप में मेन मेन्यू आपके पास अवेलेबल होता है, अगेन थ्री डॉट्स, ग्रुप इन्फो। अगर आपने ग्रुप से संबंधित जानकारी जैसे कि उसमें पार्टिसिपेंट्स और ऐड करने हैं तो प्लस फीचर, ग्रुप का नेम चेंज करना है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, ग्रुप का इमेज सेट करना है तो इधर टैप करके आप फ़ोटो से या गैलरी से या फिर वेब से कोई भी इमेज सर्च कर सकते हैं। ग्रुप से संबंधित अगर आपने कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो ऐड ग्रुप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक किया जा सकता है और आप यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। म्यूट नोटिफिकेशन हमें हेल्प करता है कि अगर हम थोड़े से टाइम पीरियड के लिए अपनी नोटिफिकेशन को ऑफ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अकॉर्डिंगली ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम नोटिफिकेशन। इसमें ग्रुप से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें हम उसकी रिंगटोन और कुछ सेटिंग्स में चेंजेस ला सकते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। नोटिफिकेशन टोन्स में हम सेट कर सकते हैं अलग अलग तरह की टोन, प्लस वाइब्रेशन मोड यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसे ऑफ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए सेट कर सकते हैं। और प्रायोरिटी नोटिफिकेशन भी सेट कर सकते हैं कि अगर आपके इस ग्रुप से कोई भी मैसेज आ रहा है तो जो नोटिफिकेशन का स्टैक होता है, लिस्ट होती है, वो उसमें टॉप में आपको दिखाई दे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ आती हैं। और अगर आपने अपनी नोटिफिकेशन की सेटिंग को रीसेट करना है तो टॉप मेन्यू में आप रीसेट नोटिफिकेशन बटन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास मीडिया विजिबिलिटी। यहाँ आप अलाउ करते हैं कि आपकी इस ग्रुप में यूज़ होने वाली जितनी भी मीडिया है वो आपकी गैलरी में शो हो या फिर वहाँ पर शो नहीं हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रुप सेटिंग्स। यहाँ पर आप अलाउ कर रहे हैं कि जो भी ग्रुप में एडिट करने की अथॉरिटी है वो आप पार्टिसिपेंट्स को देना चाहते हैं या एडमिन अपने पास रखना चाहता है, ग्रुप में मैसेजेस को सेंड करने की अथॉरिटी आप पार्टिसिपेंट्स को देना चाहते हैं या एडमिन के पास रहनी चाहिए, या फिर ग्रुप का आपका जो एडमिन है अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसअपीयरिंग मैसेज। जैसा हमने डिस्कस किया, यहाँ आप अलाउ कर सकते हैं कि आप जितने भी मैसेज भेज रहे हैं वो 7 डेज के अंदर अपने आप डिसअपीयर हो जाएं, तो उसके लिए आपको यहाँ से उसको ऑन करना पड़ता है। इनक्रिप्शन के बारे में हमने पहले बात की है कि इनक्रिप्शन इस बात को श्योर करता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में ही 1-to-1 मैसेज को रीड या लिसन किया जा सकता है, व्हाट्सएप या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसे रीड नहीं कर पाती है। इसी तरीके से अगर आपने इस ग्रुप में नए पार्टिसिपेंट्स को ऐड करना है तो ऐड पार्टिसिपेंट्स पर जाके आप अपने कॉन्टैक्ट में से उसका नाम चूज़ कर लेंगे। अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को आपने इनवाइट करना है कि वो अपनी विश से हमारे इस ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो आप उसे इनविटेशन भी सेंड कर सकते हैं। और इनविटेशन सेंड करने के हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे वाया व्हाट्सएप मैसेज, या फिर लिंक को कॉपी करके आप उसे मेल कर सकते हैं या स्टैंडर्ड मैसेज भेज सकते हैं, लिंक को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, अपना खुद का QR कोड जनरेट करके कहीं पेस्ट कर सकते हैं ताकि वो स्कैन करके आपके ग्रुप का मेंबर बन सके, और इसी तरीके से आप अपने लिंक को रीसेट भी कर सकते हैं।
रेस्ट आप बॉटम में देखेंगे कि अगर आप किसी ग्रुप को लेफ्ट करना चाहते हैं तो एग्जिट ग्रुप, या फिर किसी ग्रुप के बारे में नोटिफाई करना चाहते हैं व्हाट्सएप को, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं रिपोर्ट ग्रुप ऑप्शन को यूज़ करके। सो ये सभी ऑप्शन आपके ग्रुप से रिलेटेड आपको अवेलेबल होते हैं। रेस्ट, जैसा हमने पर्सनल मैसेज के फीचर्स पढ़े थे कि कहाँ ये इमोजीज आते हैं आपके पास, या फिर आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, या फिर आपके पास अटैचमेंट ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ यहाँ पर भी एक ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। तो आई होप ग्रुप ऑप्शन भी आपको समझ में आया होगा। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हुए हम व्हाट्सएप मेन स्क्रीन पर जाते हैं। यहाँ हमारे पास सेकंड फीचर है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट भी ग्रुप्स की तरह ही काम करता है। यहाँ आप कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना एक खुद का ग्रुप बना सकते हैं। ब्रॉडकास्ट और ग्रुप में डिफरेंस होता है कि ग्रुप में सभी पार्टिसिपेंट्स चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कलेक्टिवली मैसेजेस को देख सकते हैं। ब्रॉडकास्ट के थ्रू जब ग्रुप बनाया जाता है तो जो एडमिन होता है वो उन सभी मेंबर्स को मैसेज भेज सकता है एज एन इंडिविजुअल रिसीवर। तो किसी को ये नहीं पता होता कि और किस किस के पास ये मैसेजेस जा रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये ऑप्शन है व्हाट्सएप वेब। ये फीचर हमारे लिए तब काम आता है जब हम अपने व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर यूज़ करना चाहते हैं। हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पर web.whatsapp.com टाइप करने पर वहाँ एक वेब पेज खुलता है जिसमें एक QR कोड होता है। हमें इस ऑप्शन को यूज़ करके उस QR कोड को स्कैन करना है और हमारा व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम पर एक्सेस हो सकता है। हम वो सारा काम जो अपने मोबाइल से करते हैं वो अपने डेस्कटॉप पर भी या लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो हमारे पास आता है वो है स्टार्ट मैसेज। मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट देखता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर मैसेज ढूंढना पड़ रहा है कि किसी ने हमें भेजा था और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कई ऐसे मैसेजेस होते हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत होती है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो भी मैसेज हमें ऐसा लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है, हम उसे टैप करके सेलेक्ट करके और यहाँ पर स्टार क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे स्टार मैसेजेस की लिस्ट में पहुंच जाता है और वहां से हम उसे पढ़ सकते हैं। ये एक तरह का बुकमार्क हो जाता है कि हम इंपॉर्टेंट मैसेजेस को एक तरफ स्टार करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर हम डिस्कस करने वाले हैं ये है व्हाट्सएप की सेटिंग्स। दोस्तों आगे भी हमारा वीडियो और इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहें, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास सेटिंग्स। सेटिंग्स में हम जाते हैं, आप सबसे पहले ऊपर देखते हैं कि ये प्रोफाइल है। अगर आप प्रोफाइल पिक्चर डालना चाहते हैं तो आप कैमरा के थ्रू क्लिक भी कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से उसे सेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम अगर आपने चेंज करना है या आपने अपना कोई व्हाट्सएप स्टेटस यहाँ पर पुट करना है तो वो आप लगा सकते हैं। आप अवेलेबल हैं, बिजी हैं, बिजनेस पे हैं, वर्क पे हैं, जैसा भी आप सेट करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो आता है इसी प्रोफाइल में आप देखेंगे QR कोड भी है। अगर आप अपनी पूरी डिटेल्स किसी से शेयर करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को शो कर दीजिए, वो व्हाट्सएप में स्कैन कोड के थ्रू आपके इस कोड को स्कैन करेगा और आपकी डिटेल उसके साथ शेयर हो जाएगी उसके एड्रेस में सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग्स आती हैं अकाउंट्स। ये सेटिंग्स हमें तीन तरह की इन्फॉर्मेशन को सेट करने में हेल्प करती हैं, हमारी प्राइवेसी, सिक्योरिटी और अगर हम नंबर चेंज करना चाहते हैं। प्राइवेसी में जब हम जाते हैं तो अगर हम चाहते हैं, जैसे आप देखते हैं कि कोई भी मैसेज जब हम भेजते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जिसको हमने भेजा वो उसने हमें कब लास्ट सीन किया, ये सब चीज़ें। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा लास्ट सीन सबको दिखाई दे या मेरे ही कॉन्टैक्ट्स को दिखाई दे या किसी को ना दिखाई दे, तो सेटिंग्स आपकी यहाँ से है, लास्ट सीन ऑप्शन उनको नहीं दिखाई देगा। प्रोफाइल फ़ोटो मेरी सभी को दिखाई दे या सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट्स को दिखाई दे या किसी को नहीं दिखाई दे, ये सेटिंग्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से अबाउट, मेरे बारे में जो जानकारी है वो इसी अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं कि सभी देख पाएँ कॉन्टैक्ट या फिर हमारे बिना कोई भी नहीं देख पाए। हमारे स्टेटस को कौन देख सकते हैं ये भी हम सेट कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट सेव हैं उन वो सब देख पाएंगे। माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, अगर आप एक्सेप्शन देना चाहते हैं कि ये लोग मेरे स्टेटस को ना देख पाएँ तो वो आप यहाँ जाएंगे, या फिर आप एक वाइट लिस्ट बनाना चाहते हैं कि सिर्फ 10 लोग 20 लोग जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका स्टेटस देखना चाहें तो ओनली शेयर विद में आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ अलाउ करते हैं सेलेक्टेड लोगों को आपका स्टेटस चेक करने की। रीड रिसिप्ट, अब ग्रुप्स में हम अपनी परमिशन दे रहे हैं। ये ऑप्शन हमारे लिए एक तरह की पॉलिसी बनाता है कि सामने वाला कोई भी व्यक्ति जो हमारे कॉन्टैक्ट में वही हमें अपने ग्रुप में बना पाए, या सो एंड सो कॉन्टैक्ट हमें अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर पाए, या फिर मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वही ऐड कर पाए या सारे ऐड कर पाए। ग्रुप्स, यहाँ पर हम इस बात की सेटिंग करते हैं कि हमें कौन कौन किस किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं, सभी या जो मेरे कॉन्टैक्ट में सेव हैं सिर्फ वही, या जो एक्सेप्शनल कॉन्टैक्ट जिनको मैं परमिशन दे रहा हूँ वो अगर किसी तरह का ग्रुप बनाते हैं तो हमें भी अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं।
लाइव लोकेशन हम अपनी शेयर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, हम यहाँ से अलाउ करते हैं। किसी तरह के नंबर्स को ब्लॉक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर, जैसे अभी हमारे पास कोई भी ब्लॉक नंबर नहीं है, बट अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड में जाएंगे, जिस भी नंबर को आप ब्लॉक करना चाहते हैं उस नंबर को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपके व्हाट्सएप में वो ब्लॉक हो जाता है। एग्जैक्टली फिंगरप्रिंट लॉक अभी हमारा डिसेबल है। अगर आप चाहते हैं आप व्हाट्सएप ऑन करो और होम स्क्रीन तभी ऑन हो जब आपका फिंगरप्रिंट स्कैन हो, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स की परमिशन यहाँ पर दे सकते हैं। प्राइवेसी के बाद नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आप सिक्योरिटी नोटिफिकेशन को अलाउ कर देते हैं। दिस इज़ द फीचर। टू स्टेप वेरिफिकेशन में ये होता है कि जब भी आप सिम चेंज करते हो किसी फ़ोन में, तो आप जब अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो उसके बाद भी आपको एक अलग पर्सनल OTP के थ्रू एंड वन अदर पासवर्ड सेट करना पड़ता है, जिससे आप अश्योर करते हो कि आप ही अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हो। चेंज नंबर, यहाँ पर आप अपने मोबाइल का नंबर अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अपना ओल्ड मोबाइल नंबर यहाँ आप एंटर करेंगे, अपना न्यू मोबाइल नंबर आप सेकेंड एंटर करेंगे और आप उसको सेव कर देंगे, तो आपकी व्हाट्सएप चैट आपके पास कॉमन रहेगी और आप दूसरे नंबर के थ्रू उसी अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। ये आपके इस व्हाट्सएप अकाउंट्स की डिटेल किसी और ऐप में शेयर करने के लिए होता है, मैक्सिमम इसे कम यूज़ करते हैं। लास्ट ऑप्शन है डिलीट माई अकाउंट। अगर आप अपने इस अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट माई अकाउंट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैट। चैट ऑप्शन में आप अपने चैट से रिलेटेड थीम, वॉलपेपर या फिर उसकी हिस्ट्री के लिए सारी सेटिंग्स कर पाते हैं। सबसे पहले थीम्स, यहाँ पर आप अलग अलग थीम्स ले पाते हैं, लाइट डार्क, जिस अगर जैसी आपको पसंद है। अगर आपको कोई कस्टमाइज वॉलपेपर सेट करना है तो आप यहाँ पर वॉलपेपर गैलरी में से ले सकते हैं, कोई भी सॉलिड कलर अपना बैकग्राउंड कलर वॉलपेपर का बना सकते हैं, तो ये सेटिंग्स आपके पास यहाँ है। अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, जैसे ही आप एंटर स्विच प्रेस करें और आपका मैसेज चला जाए, तो आप इस फैसिलिटी को यहाँ से ऑन या फिर ऑफ अकॉर्डिंग टू योर विश कर सकते हैं। मीडिया विजिबिलिटी, अगर आप अलाउ करना चाहते हैं कि जो भी न्यूली डाउनलोड मीडिया है वो आपकी फ़ोन की गैलरी में दिखाई दे या ना दिखाई दे, इसकी सेटिंग्स आप यहाँ से ऑन या ऑफ अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस से कर सकते हैं। फॉन्ट साइज, जैसा आप चाहते हैं, छोटा देखना चाहते हैं, बड़ा या और बड़ा, तो अकॉर्डिंगली आप यहां से सेट कर सकते हैं। इसी तरह से व्हाट्सएप की लैंग्वेज, फ़ोन लैंग्वेज से पिक कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो यहां व्हाट्सएप आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हिंदी भाषा में सेट हो गया, इंग्लिश में चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सेट हो गया है। हमारे लिए कई बार व्हाट्सएप का बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितनी भी हमारी चैट होती है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा लास्ट बैकअप यहाँ है। चैट बैकअप पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके बैकअप को प्रोसेस में ले लेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चैट हिस्ट्री। किसी भी तरह की चैट की हिस्ट्री से रिलेटेड सेटिंग, जैसे हम कोई चैट की डिटेल शेयर करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ लिया, और जहाँ भी हम शेयर करना चाहते हैं विदाउट मीडिया या इंक्लूड मीडिया, वो हम यहाँ पर अलाउ करते हैं। और अगर हमने किसी दूसरे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल पर या कहीं भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में वो डिटेल शेयर करनी है, तो यहाँ से कर सकते हैं। जितनी भी चैट हैं, अगर उनको आप आर्काइव करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपने चैट क्लियर करनी है सभी तरह की, तो क्लियर ऑल चैट को यूज़ करके आप ये काम भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप सभी तरह की चैट को डिलीट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास डिलीट ऑल चैट्स में अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी जानकारी हुई हमारी चैट से संबंधित। नेक्स्ट सेटिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन। व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन से संबंधित यहाँ जानकारी है। हम अलग अलग कस्टमाइज कैटेगरी के लिए कर सकते हैं। अगर हमारे पास मैसेज आ रहा है तो नोटिफिकेशन टोन आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप वाइब्रेशन मोड को लॉन्ग, स्मॉल, शॉर्ट या फिर ऑफ करना चाहते हैं, वाइब्रेशन मोड की आप सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। थीम नोटिफिकेशन की आप कलर वाइज सेट करना चाहते हैं, तो उसे आप यहां से आसानी से सेट कर सकते हैं। प्रायोरिटी सेट करना चाहते हैं, तो आप यहां पर उसे ऑन या ऑफ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यही सारी सेटिंग्स अगर आपने किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए करनी है, जैसे उसकी अलग से टोन सेट करनी है, वाइब्रेशन मोड सेट करना है, तो आप यहां से कर सकते हैं। एग्जैक्टली व्हाट्सएप कॉल के लिए अगर आप कोई पर्टिकुलर रिंगटोन या फिर वाइब्रेशन मोड सेट करना चाहते हैं, तो बॉटम में कॉल्स कैटेगरी में आप ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला जो सेटिंग हमारे पास है वो है स्टोरेज एंड डाटा। स्टोरेज एंड डेटा में आप देखते हैं कि आप मैनेज स्टोरेज, किसी भी तरह की चैट में आपका कितना डेटा कंजम्पशन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ऐप क्या कर रही है, वो जानकारी आपको यहाँ मैनेज स्टोरेज में मिल जाती है। नेटवर्क यूजेस से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए कि कॉल्स में, मीडिया में, मैसेज में या फिर स्टेटस में आपका कितना कितना डेटा कंज्यूम हुआ है, तो वो सारी जानकारी आप यहाँ पर नेटवर्क यूजेज के अंदर ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप जब कॉल करते हैं तो आपका डेटा कम से कम यूज़ हो, तो आप यूज़ लेस डेटा फॉर कॉल्स को ऑन कर दीजिए, इससे आपके डेटा का कंजम्पशन कम होगा।
मीडिया ऑटो डाउनलोड में आप ये सेट कर सकते हैं कि कब किस तरह के नेटवर्क में, जैसे जब आपका नेटवर्क मोबाइल डेटा के साथ, जब आपका व्हाट्सएप मोबाइल डेटा के साथ कनेक्टेड है तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपके फ़ोटोज़ डाउनलोड हों ऑटोमेटिकली या नहीं हों, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट, ये आप कह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब आप मोबाइल डेटा नेटवर्क में हैं आपका किसी भी तरह का मीडिया ऑटोमेटिकली डाउनलोड ना हो, तो आप यहाँ पर सभी चेकबॉक्स को अनटिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इसी तरीके से जब आप वाईफाई में कनेक्टेड हैं तो भी आप इस तरह की परमिशन दे सकते हैं, इससे आपका डेटा सेव होता है। जब भी आपको किसी डेटा फाइल को या इमेज को डाउनलोड करना है तो आप उसे मैन्युअली कर सकते हैं। जब आप रोमिंग में हैं तो भी आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टोरेज और डेटा को सेव करने में, मैं इस फीचर को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ। आई होप ये आपको भी हेल्प करेगा आपके डेटा को सेव करने में और मेमोरी को मैनेज करने में, स्टोरेज को यूटिलाइज करने में। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो आता है हेल्प। डेफिनेटली हेल्प फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में जाके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप को कांटेक्ट करना है तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के साथ टर्म्स एंड पॉलिसीज़ अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अपनी ऐप की जानकारी लेना चाहते हैं तो वो आप इस ऑप्शन से ले सकते हैं। तो ये सभी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास व्हाट्सएप के सेटिंग के अंडर आती हैं। अगर आपने किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के लिए इन्वाइट करना है तो आप इन्वाइट अ फ्रेंड, बिल्कुल लास्ट में जो ऑप्शन आपको अवेलेबल हो रहा है आप उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग्स थी हमारी व्हाट्सएप की। आई होप ये आपको हेल्प करेगी व्हाट्सएप को आसानी से यूज़ करने में, ताकि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बना सकें। हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है ये। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, जिन लोगों को व्हाट्सएप यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है उनके साथ शेयर करें, और हमारे चैनल एडुटेक ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें। Thank you.